नमस्ते दोस्तों अगर आपका बेबी खांसी से परेशान है और आप नेचुरल घरेलू उपाय ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 होम रेमेडीज़ के बारे में जो आप अपने बच्चे की खांसी को ठीक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये बहुत ही नेचुरल हैं और इसके जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आसानी से घर पर ही मिल जाते हैं तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन हम सबसे पहले ये देख लें कि बच्चों को आखिर खांसी होती क्यों है बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है इसलिए वो वायरसेस कोल्ड या एलर्जी से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी खांसी तो सिर्फ थ्रोट इरिटेशन की वजह से भी हो जाती है लेकिन टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज हमारे पास है कुछ सिंपल और इफेक्टिव घरेलू होम रेमेडीज सिर्फ आपके लिए सबसे पहला होम रेमेडी है हनी यानी शहद लेकिन ये रेमेडी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एक साल से ज़्यादा के हों क्योंकि एक साल से छोटे बच्चों को हनी देना सेफ नहीं होता है हनी काफ़ी पुराना और ट्रस्टेड रेमेडी है जो थ्रोट को नेचुरली कोट करता है और इरिटेशन को कम करता है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती हैं अब हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है आपने अपने बेबी को हाफ टी स्पून हनी रात को दे देना है अगर चाहें तो थोड़ा गर्म पानी भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं यह नेचुरल होम रेमेडी है और थ्रोट को इंस्टेंटली रिलीफ देती है और खांसी को ठीक करती है ना वाइट वर्कस क्योंकि हनी एक नेचुरल कफ सप्रेसेंट के तौर पर काम करता है और रात को बेबी को अच्छी नींद आने में भी मदद करता है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट होम रेमेडी विच इज ब्रेस्ट मिल्क छोटे बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा होम रेमेडी है ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं जो बेबी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं ये नेचुरल वे है बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का और डिहाइड्रेशन से बचाने का अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराएं ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो म्यूकस को लूजन कर देता है और खांसी को कम करता है जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। तीसरा होम रेमेडी है वार्म स्टीम का स्टीम बेबी के लंग्स और नाक में जमा म्यूकस जो होता है उसे लूज कर देता है और बेबी आसानी से ब्रीथ कर पाएगा फिर अब इसे कैसे यूज करना है आपने बस एक स्टीम फिल्ड बाथरूम में अपने बेबी के साथ दस से पंद्रह मिनट तक बैठना है स्टीम डायरेक्टली बेबी के पास नहीं लेके आनी है सिर्फ एटमॉस्फेयर को स्टीमी बनाना है आपने नाउ वाइट वर्क्स बिकॉज जो स्टीम है वो नेसल कंजेशन को खोलकर खांसी को कम करने में मदद करती है नेक्स्ट होम रेमेडी सलाइन नेसिल ड्रॉप्स ये जो ड्रॉप्स होते हैं वो नाक की ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए काफी इफेक्टिव है ये एक सेफ और जेंटल रेमेडी है अब इसे यूज कैसे करना है आपने बस एक पिंच नमक को ठंडे बॉइल्ड पानी में मिलाकर सलाइन सॉल्यूशन बनाना है फिर बेबी के नाक में एक से दो ड्रॉप्स डाल लीजिए आप मार्केट से भी सलाइन ड्रॉप्स ले सकते हैं न वाइट वर्क्स बिकॉज ये नाक के कंजेशन को दूर करता है और बेबी को ब्रीदिंग करने में आसानी होती है नेक्स्ट इज़ कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर ये स्पेशली उन जगहों में यूजफुल होता है जहाँ की हवा बहुत ड्राई होती है और उसमें मॉइस्चर नहीं होता है आप बेबी के रूम में एक कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर चला सकते हैं जो हवा में मॉइस्चर ऐड करेगा इससे क्या होता है कि बेबी का जो थ्रोट है वो ड्राई नहीं होगा और खांसी कम होगी नाउ नाइट वर्क्स बिकॉज़ ये जो ड्राइनेस है वो कम करेगा एयर की उसमें मॉइस्चर भरेगा और मॉइस्ट एयर थ्रोट और नेसल पैसेजेस को सूद करती है और इरिटेशन को रिड्यूस करती है नेक्स्ट होम रेमेडी है टू एलिवेट बेबीज हेड अगर रात को बेबी की खांसी ज्यादा हो रही है तो आप बेबी का हेड स्लाइटली एलिवेट कर सकते हैं उसे रिलीफ दे सकते हैं जनरली आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जब बेबी लेटा होता है तो उसे खांसी ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा अगर आप हेड उसका एलिवेट कर देंगे तो उसमें उसे काफ़ी मदद मिलेगी आपने क्या करना है आपने बेबी के मैट्रिस के नीचे एक रोल्ड टॉवल या पिलो रख सकते हैं ताकि उसका हेड जो है थोड़ा ऊपर रहे ये म्यूकस को जमा होने से रोकेगा और खांसी कम करेगा नाउ वाई इट वर्क्स जब बेबी का हेड ऊपर रहता है तो म्यूकस थ्रोट में कलेक्ट नहीं होता और रात में कफिंग कम होती है नेक्स्ट फ्लूइड्स हाइड्रेशन सबसे जरूरी रेमेडी है बच्चों का बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन से म्यूकस और ज्यादा थिक हो जाता है इसलिए हाइड्रेशन सबसे जरूरी रेमेडी है बच्चों का बॉडी हाइड्रेशन से म्यूकस और ज्यादा थिक हो जाता है बच्चों का बॉडी डिहाइड्रेशन से म्यूकस और ज्यादा थिक हो जाता है इसलिए फ्लूइड्स देना इंपॉर्टेंट है आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला मिल्क या थोड़ा गर्म पानी दे सकते हैं यह म्यूकस को थिन करता है और खांसी को भी ठीक करेगा हाउ इट वर्क्स फ्लूड जो है बेबी के बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं एंड म्यूकस को ब्रेक करने में मदद करते हैं नेक्स्ट रेमेडी है जिंजर जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लमेटरी और एंटी वायरल है आप थोड़ा सा जिंजर को पानी में बॉईल करें और उसे स्ट्रेन करके बेबी को थोड़ा थोड़ा दें लेकिन ये सिर्फ एक साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए यूज करें इट वर्क्स एंड इट वर्क्स क्योंकि जिंजर इन्फ्लोमेशन को रिड्यूस करता है और थ्रोट को सूद करता है जो खांसी को कम करने में मदद करता है नेक्स्ट इज टर्मरिक मिल्क यानी हल्दी का दूध ये एक और इफेक्टिव होम रेमेडी है जो खांसी को कम करती है आप एक पिंच हल्दी को गर्म दूध में डालकर बेबी को दे सकते हैं बस इंश्योर करें कि बेबी एक साल से ज्यादा का हो हल्दी में एंटी इन्फ्लोमेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोल्ड और खांसी से लड़ने में हेल्प करती हैं नेक्स्ट इज मस्टर्ड ऑयल का मसाज जो है सरसों के तेल का मसाज ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो अब भी लोग बहुत यूज़ करते हैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लें और उसमें गार्लिक को गर्म कर लें जो लहसुन है उसे फिर इस ऑयल से बेबी के चेस्ट और बैक का हल्का मसाज करें ये कंजेशन को लूजन करता है और बेबी को रिलीफ मिलता है मस्टर्ड ऑयल और गार्लिक के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेस्ट कंजेशन को रिड्यूस करती हैं तो दोस्तों ये थे दस घरेलू नुस्खे जो आप अपने बेबी की खांसी को ठीक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं ये सब रेमेडीज नेचुरल हैं और घर में इजीली अवेलेबल हैं लेकिन अगर खांसी ज़्यादा दिन तक रहे या बेबी को ब्रीदिंग में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें वीडियो अगर आपको पसंद आया है do like share and subscribe to my channel you can visit glitzzone.blogspot.com for more home remedies thank you